सूरज लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, इस बार हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं, कई बड़े ऐलान किए हैं, इस बार का मैनिफेस्टो कैसा होगा? क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए मैनिफेस्टो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, गेम चेंजर भी साबित होता है। देखिए, बिल्कुल इस बार कांग्रेस अलग तरीके से काम कर रही है और हमने देखा 11 गारंटियों को लेकर कमलनाथ पहले से मैदान में है, जिसमें खासतौर से 1500 रुपये महीने हर महिला को दिया जाएगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ जो पिछली 2018 के वचन पत्र में दिया था, इसके अलावा 5 हॉर्स पावर तक की जो बिजली की जो मशीनें हैं वो फ्री में दी जाएंगी, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली बिल, और सबसे बड़ी बात कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस लेके आएगी। इसके साथ ही जाति जनगणना कांग्रेस का मुख्य एजेंडा हो चुका है, और इसके साथ आज जिस तरीके से हमने देखा एक बड़ी घोषणा की गई है, पढ़ो और पढ़ाओ, खासतौर से स्कूल के जो बच्चे हैं पहली से कि उन्हें 500 रुपये मिलेगा, 9वीं 10वीं वालों को 1000 रुपये और 10वीं से 12वीं तक पढ़ने वालों को 1500 रुपये महीने कांग्रेस देने जा रही है। तो 12 से 13 ऐसे जो बचन हैं मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और हमने देखा है कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस ने वचन पत्र अपना जारी किया, और अब 16 तारीख को पूरा जो एक जंबो वचन पत्र है वो कांग्रेस का जारी होगा। हालांकि वचन पत्र को लेकर लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि हमने पिछले 15 महीने की सरकार में भी हमने किसान का कर्ज माफ किया था, बाकी तमाम योजनाएं चालू की थी लेकिन सरकार गिर गई, वो वचन पत्र जो बाकी वादे बचे हैं वो 2023 में पूरा करेंगे और 23 के वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जब वचन पत्र कांग्रेस का जारी होगा तो इन 12 वचनों के साथ और क्या को ध्यान में रखते हुए वचन पत्र इस बार कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। हालांकि देखने वाली बात होगी कैसे ये फायदेमंद होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली की कर लेते हैं।